बांडीपुरा के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष शेख वसीम बारी, उनके पिता बशीर अहमद और छोटे भाई व बाजियुमो के जिला अध्यक्ष उमर बारी की हत्या से घाटी में मातम का माहौल है। देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। इससे पहले भी हमारे लीडर्स जो यंग और टैलेंटेड लीडर्स, चाहे शुपियन का हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कंवर भट्ट साहब हो, पुलवामा का शबीर भट्ट साहब हो, डूरू का आतंक साहब हो, और कल शहीद वसीम बारी को शहीद किया गया, उनके छोटे भाई उमर सुल्तान बशीर साहब को, बेसिकली एक जो नेशनलिस्ट आवाज़ यहाँ बढ़ रही है कश्मीर में, जो भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व जो लोग आए रोज, जो एक पॉपुलरिटी यहाँ बढ़ रही है, और जो हमारी लीडर की पॉपुलरिटी बढ़ रही है, क्योंकि वसीम बारी साहब एक ऐसे नेता थे जिनके हमेशा आप भीड़ देखते थे, और गरीबों की भीड़, सेंटर स्पॉन्सर जितनी भी स्कीमें थे, वसीम बारी साहब हमारे उसमें सबसे ज़्यादा अव्वल नंबर पे कश्मीर में आते थे, जो उन स्कीमों को इम्प्लीमेंट कराए थे या गरीबों के लिए वो हमेशा 24 घंटे तैयार रहते थे। एक तरफ पुलिस फोर्सेज और सिक्योरिटी एजेंसीज का दहशतगर्दों को ताकुब करके, उनका पीछा करके, उनको चुन चुन के मारना और दहशत का यहाँ अंत करना, दूसरी तरफ उसके इतने बड़े बड़े लोग जो 30 साल तक यहाँ गन की वकालत कर रहे थे, उनको ये बात समझ आनी कि अमन से ही सारे मसले हल हो सकते हैं, और उनको भी एहसास होना कि कश्मीर के नौजवान मारे जा रहे हैं। जब ऐसी हालात में पाकिस्तान को यहाँ सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, एक फ्रस्ट्रेशन के साथ, छोटे संतरे मंसूबे के साथ, उन्होंने कद हमारी जो बोल्ड वॉइस थी, जो नेशनलिस्ट वॉइस थी, उनको यहाँ शहीद किया, और इसी प्लानिंग के तहत, इसमें मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी कहना चाहता हूँ, 7 दिन से पहले अगर सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है कि अब 7 दिन के बाद बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं वो हमारे टारगेट पर रहेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट को इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। अगर उन्होंने सीरियस लिया होता तो आज वसीम बारी साहब शहीद नहीं होते। आतंकियों द्वारा की गई कायराना हरकत से लोगों में आक्रोश है। उनके परिजन व रिश्तेदारों की मांग है कि वसीम बारी, उनके पिता और भाई के हथियारों का जल्द से जल्द सफाया किया जाए। आतंकी हमले में मारे गए तीनों लोगों के शवों को आज सुपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना भी मौजूद। आतंकवादियों ने बहुत बड़ा कायराना हमला किया है उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा में। भारतीय जनता पार्टी के एक जंग बास, एक जांबाज, हमारे नेता शेख वसीम बारी साहब, उनके भाई उमर सुल्तान साहब और उनके वालिद साहब की कायराना तरीके से हमला करके हत्या की गई है। शेख वसीम बारी साहब और उनका परिवार शेरों की तरह यहाँ रहते थे, वो टाइगर थे। कायराना हमला किया गया, रात के अंधेरे में छिप कर पीठ पर वार किया इन पाकिस्तान के कायर दहशतगर्दों ने। इनको इनके गुनाहों की सजा मिलेगी। पाकिस्तान कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहता, छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल, छोटी छोटी बच्चियों का कत्ल, बच्चों के माँ बाप का कत्ल, दादा दादी का कत्ल कश्मीर के अंदर ये पाकिस्तान के दहशतगर्द कर रहे हैं। ये इंसानियत के, मानवता के कातिल हैं। इनको इनके गुनाहों की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। शहीद शेख वसीम बारी साहब, उमर सुल्तान साहब और उनके पिताजी ने जो बलिदान, जो शहादत इस मुल्क के लिए दी है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क अपने इन वीर शहीदों को अकीदा पेश करता है, सलूट करता है, सलाम करता है अपने इन वीरों को, जिनके दिल में हुबले वतनी का जज्बा था। जो हजरत मोहम्मद साहब ने बताया कि हर शख्स के दिल में हुबले वतनी का जज्बा होना चाहिए, वो हुबले वतनी का जज्बा हमारे इन वीरों में था, शेरों में था, जिनको रात के अंधेरे में चोरी छिपे कायराना हमला करके जिनको शहीद किया गया। कानून तो इन कायरों को, इन जालिमों को से निपटेगा, लेकिन ऊपर वाला भी इनको इनके गुनाहों के लिए इनको कभी माफ नहीं।